नमस्कार दोस्तों। तो चलिए हम लोग बात कर रहे हैं संगठन या ऑर्गेनाइजेशन की श्रृंखला देख रहे हैं। तो याद रखिए हम लोग पिछले लेक्चर में बात कर चुके थे एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग के बारे में, एपेक के बारे में। ठीक है, याद रखिए जितने भी हम लोग संगठनों से संबंधित लेक्चर बनाते जा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन या महत्वपूर्ण संगठनों की जो प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है उसी में डले हुए हैं। ठीक, तो इसमें बात करेंगे एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, इसे बोलते हैं आसियान। याद रखिए ये दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन है। आसियान की बात करें तो 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक थाईलैंड में इसकी स्थापना हुई थी। यह राजनीतिक एवं आर्थिक संगठन है। इसका मुख्यालय की बात करें आसियान के तो जकार्ता इंडोनेशिया में है। ठीक है, इसके संस्थापक सदस्यों की भी बात करें तो इनमें शामिल है इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। आपको याद रखना है आसियान की स्थापना कब हुई, 8 अगस्त 1967 बैंकॉक में। यह राजनीतिक एवं आर्थिक संगठन है। इसका मुख्यालय है जकार्ता इंडोनेशिया में। और संस्थापक सदस्य कौन कौन से, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। फिर बात करते हैं वर्तमान सदस्यों की, तो इसमें 10 सदस्य हैं वर्तमान में, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम और कंबोडिया। कंबोडिया 1999 में बना। ठीक है, इसके उद्देश्यों की बात करूं तो आसियान का उद्देश्य क्षेत्रीय स्तर पर आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास एवं क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता को बढ़ावा देना। आसियान के आधारभूत सिद्धांत की बात करूं तो इसका आदर्श वाक्य है, मोटो, एक दृष्टि, एक पहचान, एक समुदाय। सभी देशों को राष्ट्रीय पहचान, संप्रभुता, समानता, स्वतंत्रता, क्षेत्रीय अखंडता के लिए आपसी सम्मान, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, शांतिपूर्ण तरीके से मतभेद या विवादों का निपटान, प्रभावी आपसी सहयोग, धमकी, प्रभावी आपसी सहयोग और धमकी या बल प्रयोग का त्याग, क्षेत्रीय स्थिरता की सुरक्षा। 2003 में 9वें आसियान सम्मेलन में आसियान समुदाय की स्थापना हुई, स्थापना का निर्णय लिया और 2015 तक सेवु घोषणा के अनुसार। ठीक, तो इसमें बात करें अब आसियान समुदाय के भागों की, तो आसियान आर्थिक समुदाय, आसियान राजनीतिक सुरक्षा समुदाय, आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय, ये आसियान के समुदाय के भाग हैं आसियान समुदाय के। अब बात करें हम लोग आसियान प्लस तीन देश, आसियान प्लस थ्री में कौन कौन से देश हैं, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया। याद रखिए आसियान के सभी देश प्लस तीन, तीन का मतलब है चीन, जापान, कोरिया। आपसी मुद्दों से निपटने तथा ऊर्जा सुरक्षा, प्राकृतिक गैस, तेल बाजार का अध्ययन, तेल संग्रहण एवं नवीकरणीय ऊर्जा में सहयोग करना इनका उद्देश्य था स्थापना का। फिर बात करते हैं आसियान प्लस सिक्स देश, आसियान प्लस छः देश। छः देशों में कौन कौन है, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और भारत। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी पूर्वी एशियाई देशों में आर्थिक वृद्धि में तेजी लाने के लिए। ठीक है, सम्मेलनों की बात करें आसियान के तो फर्स्ट सम्मेलन हुआ था 1976 में वाली इंडोनेशिया में। याद रखना आसियान का फर्स्ट सम्मेलन 1976 में वाली इंडोनेशिया में हुआ था और इसका 33वां संविधान 2018 में सिंगापुर में, और 2019 में इसका सम्मेलन थाईलैंड में हुआ है। ठीक है, याद रखना कहाँ, थाईलैंड में। 2019 में कहाँ हुआ, थाईलैंड में, याद रखिए। इसके सम्मेलन में एशियाई पूर्वी एशियाई दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का कि आर्थिक, राजनीतिक, सुरक्षा तथा सांस्कृतिक मुद्दों पर चर्चा होती है सम्मेलनों में। ठीक है, तो 2019 में कहाँ हुआ, थाईलैंड। बात करते हैं भारत आसियान
सबसे बड़ा व्यापारिक व्यापार है इससे आसियान के संगम किस साथ में, किसका, भारत का। ठीक, मुक्त व्यापार समझौता भी है। निम्न विषयों पर सहयोग भी है, कौन कौन से हैं विषय इसमें, कृषि, विज्ञान प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन, मानव संसाधन विकास, क्षमता निर्माण, नवीन और नवकरणीय ऊर्जा और पर्यटन। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा आसियान। अब बात करेंगे हम लोग बे ऑफ बंगाल, बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्चुअल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक्स को ऑपरेशन। ठीक है, इसे देखेंगे हम लोग।